गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर सेवन विच इज इंटीग्रेशन. इन प्रीवियस क्लास आई हैव टेकन योर लाइव क्लास, और जिसमें मैंने आपको डिटेल से उसके एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह से, बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से करवाए थे. जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास अटेंड नहीं की, उनको मैं चाहता हूं कि वो इस क्लास को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि मैं इसको अब डिटेल से एक्सरसाइज कराने वाला हूं. आपने बेटा बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि बेसिक इसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इंटीग्रेशन का, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक हमारे पास इंटीग्रेशन ही चलती रहेगी. इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज चलती रहेंगी, ठीक है? तो नहीं तो आपका जो है बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, तो ऐसे केस में आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज होता जाएगा और आप चैप्टर से दूर होते चले जाएंगे. तो इसलिए बेटा डेली टू डेली जो हम क्लासेस ले रहे हैं, जो वीडियोस भेज रहा हूँ मैं, उसको आपने डेली देखना है और उसके अकॉर्डिंगली काम को भेजना है. तो नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 7.1. यस, इट इज एक्सरसाइज 7.1. इसमें देखो बेटा, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx. मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कि हम क्या कर लेते हैं कि इस 2x को हम x एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? कि जैसे हम जो है डेरिवेटिव में करते थे ना इसको साइन, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x एज्यूम किया तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x. और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2. तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि इनटू 2 कर देते थे, इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, बट अभी ये सिर्फ उस कंडीशन के लिए है जिसमें, मतलब इसको ये आप एज्यूम तभी कर सकते हैं जब इसका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये वाला रूल तभी लगेगा जब आपके पास जो आपने एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में आप 2 से डिवाइड करोगे, राइट? जैसे डेरिवेटिव में आप 2x इंटू 2 कर देते थे, इसका डेरिवेटिव इंटू 2 कर देते, इसमें डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. इसका लॉजिक मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? अब जैसे ये है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन इज ax प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है. अब आपको पता है ना कि एक्स टू दी पावर एन का, देखो बेटा फॉर्मूले देखने के लिए आपको प्रीवियस क्लास जरूर देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने फॉर्मूले डिटेल से बताए हैं. तो पहले आप उनको फॉर्मूलेस को देखो और फिर उसमें, इसमें एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन लगेगा. इसको हम एक्स टू दी पावर एन मान लेते हैं. तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूं. एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है? मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि ईच इंटीग्रेशन के बाद जो है कांस्टेंट क्यों लगता है. तो ये इसका फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन का. ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का जो होता है दैट इज माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला हमने इस यूज किया है. तो अब हम इसमें पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैं इसको एक्स टू द पावर एन मान सकता हूं. तो पहले देख लेते हैं कि ये एक्स मान सकते हैं हम इसको. एक्स मानने के लिए हमें क्या है, इसका डेरिवेटिव देखना पड़ता है कि कांस्टेंट है या नहीं है. तो इसका डेरिवेटिव आप यहां पे देख रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए विच इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब मैं एक्स टू दी पावर एन इसको मान सकता हूं. तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन यानी कि 2+1 अपॉन एन प्लस वन दैट इज 2+1. और इसका डेरिवेटिव क्या है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस सी. तो यानी कि इट बिकम्स ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3 अपॉन 3a प्लस सी. दैट्स इट, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. तो ऐसे ही एक और कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ में ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x dx. सेम वही डिफरेंशिएशन में जैसे प्लस माइनस में क्या करते हैं हम जो है सेपरेट कर देते हैं. साइन 2x dx माइनस 4 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, e टू द पावर 3x dx. कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन के साथ उसके साथ dx लगना जरूरी है, इंटीग्रेशन के साथ dx लगना जरूरी है. उसकी वजह मैंने आपको बताया था कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू राइट
dx एट दिस पोजिशन, ठीक है। तो अब देखो साइन 2x, अब हमारे पास साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे माइनस 4 e टू द पावर x मानेंगे, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, और डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस c। तो ये बेटा आपने, ये एप्लीकेबल तभी होगा, मैं एक बार फिर माइंड में डाल दूं आपके, कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। सपोज ए टू द पावर एक्स स्क्वायर होता तब हम इसको अलाउ अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x जो है कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हम इसको नहीं यूज करेंगे, राइट। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे ही देखो आगे तो आप कर देंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 - x² डीएक्स। अब आपको पता है इसमें हम क्या करेंगे कि अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 / x², तो 1 हो जाएगा डीएक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ x³/3, और 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c, ये x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया हमने, ये आ गया, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, कुछ कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज x³ + 3x + 4 ओवर √x। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, x³/x√x dx प्लस 3 कांस्टेंट है x/√x dx प्लस 4 कांस्टेंट है 1/√x dx। अब देखो इसमें हम इसको x टू द पावर n बनाएंगे कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर 3 माइनस अंडर रूट है तो हाफ हो जाएगा माइनस हाफ, नीचे जाके हाफ है तो ऊपर आके माइनस हाफ dx प्लस 3 x टू द पावर 1 - 1/2, ये 1 है और -1/2 प्लस 4 और x टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट 1/√x है, तो इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर 5 - 1 6 - 1 5/2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 - 1/2 ही हो जाएगा dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx एज इट इज रखो। अब इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर n+1/(n+1) प्लस 3 x टू द पावर 1/2 + 1 प्लस 4 x टू द पावर -1/2 + 1/-1 प्लस c। ये फॉर्मूला है हमने x टू द पावर n का, x टू द पावर n+1/(n+1) होता है, तो ये बनेगा x टू द पावर 7/2 और ये 7/2 होगा तो रिवर्स होकर 2/7 हो जाएगा, अपॉन 7/2 होता ना उसको रिवर्स कर दो, 3 x टू द पावर ये 3/2 होगा और अपॉन 3/2 होगा तो रिवर्स होकर 2/3 हो गया प्लस 4 x टू द पावर 1 - 1/2 तो 1/2 होगा और अपॉन में 1/2 होगा तो उसको रिवर्स करके कितना हो गया 2 हो गया प्लस c। तो दिस इज 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 x टू द पावर 3/2 प्लस 8 x टू द पावर या √x प्लस c। तो ये है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13th इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1/(x - 1) dx। अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आप कि
अब इसमें जैसे हमने इसमें तो सेपरेट कर दिया था, इसमें कैसे सेपरेट करूं, तो आपको पता है कि बस इसका अब एक ही ऑप्शन है कि हम देखो अब हमें से याद रखो कि कभी भी हमारे पास रैशनल फंक्शन के फॉर्म में कोई भी इंटीग्रल होता है तो ऐसे केस में आप जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म है। तो ऐसे केस में प्रॉपर बनाने के लिए क्या होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री जो होता है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी वो प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म होता है। तो ऐसे केस में आप x माइनस वन से डिवाइड कर सकते हैं या इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर टेक एज कॉमन एक्स माइनस वन प्लस वन टेक एज कॉमन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स और एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई थ्री और प्लस एक्स प्लस सी। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13। अब मुझे लगता है कि कोई भी इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो। अब आप ये सारे ट्राई करोगे और एक मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 नहीं क्वेश्चन नंबर 22 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन इज इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴ एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू गेट एफ ऑफ एक्स इज क्वेश्चन मार्क, राइट। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये दे रखा है हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये दे रखा है। तो एज गिवन डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इंटू डी एक्स, राइट। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴ dx। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x³ - 3x⁴ हो जाएगा dx। तो दिस बिकम्स 4x⁴/4 और -3x⁴ + 1/-4 + 1 प्लस सी, कांस्टेंट आपने जरूर लगाना है। दिस बिकम्स x⁴ - 3x⁴ - 3/-3, ठीक है, ये कट जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस सी। तो दिस बिकम्स x⁴ - 1/x³ + c। दिस वॉज एफ ऑफ x। अब गिवन है हमारे पास एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एज, तो यानी कि x की वैल्यू 2 रखो तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 0 है तो 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, मतलब इसमें 2 रखो तो 2^4 और +1/2^3 प्लस सी। इससे हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2^4 हो गया 16 और +1/8 प्लस सी। तो व्हाट इज सी, तो सी इज 129/8। तो रिक्वायर्ड फंक्शन हमें तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो रिक्वायर्ड फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ +1/x³ एंड प्लस सी के लिए क्या रख देंगे हम -129/8, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22।
तो बेटा आपने क्या करना है अब कि जो मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं उन क्वेश्चंस को आपने मुझे करके कल के उसमें भेजना है होमवर्क में, ठीक है। तो आपने टाइमली भेज देना है, जल्दी से, बहुत ही कम एक्सरसाइज में दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ा रहे, ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। तो बेटा आपने बहुत ज़रूरी काम करना है कि टाइमली भेजना है, और इसके जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं कराए एक्सरसाइज 7.1 के, वो सारे क्वेश्चन आपने करके भेजना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराऊंगा, तो इसलिए नेक्स्ट वाली क्लास भी बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।